वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था डिक्शनरी, और डिक्शनरी में देखा था कि डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे अपडेट करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मेथड्स या फंक्शंस डिक्शनरी के, ठीक है। पहला जो मेथड है लेन है, या इसे हम बोलते हैं लेंथ। इट कैलकुलेट्स द लेंथ, आपकी लेंथ को कैलकुलेट करके बताता है डिक्शनरी की। तो आइए कैसे करता है देख लेते हैं प्रैक्टिकल। तो एक आपकी एक डिक्शनरी है नेम नितिन A17 CLS 12। इट मीन्स इसकी जो लेंथ है मैनुअली हम बता सकते हैं 3 है, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालते हैं, तो आपको लिखना है लेन मेथड, ठीक है, और किसकी निकालनी है DI की, इसके अंदर लिख दिया, देन कंट्रोल एस, देन F5। यू कैन सी 3 आ रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 3 की वैल्यू पेयर है, एक नेम का, एक एज का और एक CLS का। तो आइए अब देखते हैं दूसरा मेथड अपना। दूसरा जो हमारा मेथड है वह है गेट मेथड। गेट मेथड की हेल्प से हम कोई भी की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे, ये भी मैंने वैसे लास्ट लेक्चर में बताया था, बट फिर भी और देखते हैं। तो आपने लिखना है यहाँ पर डिक्शनरी का नेम DI.get, और इसके अंदर आप लिखेंगे वो की जिसकी आप वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी वैल्यू को एक्सेस करते हैं की हेल्प से करते हैं, क्योंकि की क्या है, एक यूनिक है, क्योंकि डिक्शनरी क्या है, अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम है, कोई भी कलर ऑर्डर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्सेस करते हैं उसकी की से, की क्या होती है, यूनिक होती है। कंट्रोल एस देन F5। देखिए गेट हेल्प, गेट की हेल्प से मैंने गेट करा लिया है एज, मैंने कहा एज पे जो भी वैल्यू है हमें दे दीजिए। अगर यहाँ पर CLS लिख देता तो 12th आ जाता, नेम लिख देता तो नितिन आ जाता। तो ये सारी चीज़ें हम करा सकते हैं। अगला फंक्शन देखते हैं आइटम्स, तो इसको कैसे यूज करते हैं, तो आइए प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो मैं इधर लिखता हूँ डिक्शनरी नेम DI.items। जितने भी मेथड होते हैं इनमें एक तो डॉट लगता है और दूसरा ही पैरेंथेसिस लगता है, तब आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये क्या है, मेथड है। देखिए यहाँ पर आइटम क्या है, नेम नितिन, एज 17, CLS 12, तो ये यहाँ पर आइटम्स हैं। अगला जो हमारा फंक्शन है वो है कीज। लास्ट में भी हमने देखा था जाए कि हम इससे क्या कर सकते हैं, अपनी डिक्शनरी की जितनी भी उसमें कीज बनी हुई है हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना है, आइटम्स की जगह आपने लिख देना है डिक्शनरी की कीज, KEYS। कंट्रोल एस कीजिए, देन F5। ये देखिए नेम, एज, CLS नाम के यहाँ पर कीज अवेलेबल हैं। ऐसे ही एक अगला फंक्शन होगा वैल्यूज, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल F5 दबा देते हैं, देखिए नितिन 17, 12 आ रहा है। और जो लास्ट हमारा फंक्शन है वो फंक्शन है क्लियर फंक्शन। ये क्या करता है, आपको पूरी को पूरा डिक्शनरी का डेटा को इरेज कर देता है, रिमूव कर देता है। तो इसको भी यूज करके देख लेते हैं, जो ये कीज हैं, वैल्यूज हैं, इनमें, इनके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं जाता है। ये देखिए नन, इसने क्या कर दिया, आपकी डिक्शनरी को एम्प्टी कर दिया है, खाली कर दिया है, तो नन ही आएगा। जब कुछ भी नहीं होगा तो नन आएगा। गाइज ये था हमारा आइडिया डिक्शनरी के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।